स्टूडेंट जय हिंद। तो आज हम लोग लिख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्लास 10th की जो केमिस्ट्री की फर्स्ट टॉपिक्स हम लोग का है। ठीक है, सिर्फ सभी समझने की कोशिश करते हैं। इधर मैंने पहले ही लिख चुका है जो भी चीज़ें हैं, इसमें और सारी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे बिकॉज ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लासेस है, फिर भी समझने के लिए हम लोग कोशिश ही करते हैं। लेकिन पहले हम लोग केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हम बात करने वाले हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की पहले। ठीक है, फिजिकल चेंज होते क्या है और केमिकल चेंज होते क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले एक जनरल स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम पहले इधर बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज की। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें फिजिकल चेंज, ये क्या होती है, हमारा टेम्पररी चेंज होती है। ठीक है, फिजिकल चेंज एक हमारे जो होती है, मतलब अस्थाई कह सकते हैं इसको हिंदी में, है ना, अस्थाई यानी टेम्पररी चेंज। और इसे हम लोग बोलेंगे अस्थाई, मतलब परमानेंट चेंज। बात आती है यहाँ पे फिजिकल जो चेंजेस है इसमें ओनली फॉर हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगे। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगे, लाइक उसका स्टेट, मतलब लिक्विड से गैस में फॉर्म हो सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में फॉर्मेशन उसका हो सकता है, चेंज हो सकते हैं, इस तरीके से उनका चेंजेस आएंगे, है ना, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगे। लेकिन हम लोग का यहाँ पे जो केमिकल चेंजेस है इसमें यहाँ पे क्या होगा, परमानेंट जो चेंज होंगे इसमें इसका जो होगा केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहले वाला सबस्टांसिस था उससे जो हमारा नया सबस्टांस का निर्माण होगा वो बिल्कुल डिफरेंस होगा अपने पहले वाले के कैरेक्टर्स में और बाद वाले के कैरेक्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मिल्क को। ओके, मिल्क के थ्रू मैंने कर्ड बना लिया, आने की दूध से मैंने जैसा ही दही बनाया, दूध का जो वहाँ पे केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, अगर हम फिजिकल की बात करेंगे, जबकि दूध जो है वो भी हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही है, और कर्ड भी हमारा है ना क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही है। ठीक है, क्योंकि वो आपको लग रहा होगा वो सॉलिड फॉर्म है, लेकिन जैसा ही उसको थोड़ा डिजॉल्व कर देंगे हम हल्का सा, है ना, कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ उसको चढ़ने कर देंगे, मिला देंगे, है ना, तो वो भी क्या हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन मिल्क का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हम लोग का सॉरी ये होगा स्वीट, होगा क्या होगा, स्वीट, जबकि ये हमारा थोड़ा जो हो जाएंगे सावर आने खट्टे हो जाएंगे। तो सोचने वाली बातें हैं, जबकि एक ही चीज़ें है यानी कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, जबकि दोनों के दोनों अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का, वो क्या है हमारा, यहाँ भी लिक्विड है और लिक्विड है। तो हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकते हैं, साथ साथ इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इस तरफ आएंगे और आपको बात करने लग जाएंगे, क्योंकि हम इस रिएक्शंस को आने इसमें जो क्या क्या घटनाएं घट रही है मिल्क से कर्ड बनने के थ्रू, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जनरली जो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन होते क्या है। केमिकल रिएक्शन आने के कहने का मतलब है सब एक या एक से अधिक सबस्टांसिस के द्वारा, है ना, एक या एक से अधिक सबस्टांसिस के द्वारा एक नया सबस्टांस या एक से अधिक नया सबस्टांस का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी वन और मोर देन टू सबस्टांस, है ना, बाय फॉर्मेशन होता है एक नया सबस्टांसिस का, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, इसकी हिंदी हम लोग लिखते हैं, तो पहले हम इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, इसको बोलेंगे संयोजन, तो हिंदी वाले होंगे ध्यान रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया और डिकम्पोजिशन होंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन,
एंडोथर्मिक उष्मा शोषी, अभी हम बात करेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद है एक्सोथर्मिक उष्मा छेदी अभिक्रिया, उष्मा छेदी अभिक्रिया। इसके बाद रिवर्सिबल अन उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके बाद है फोटोकेमिकल, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग विद्युत या फिर बोल सकते हैं प्रकाश, केमिकल रिएक्शंस है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हम लोग उपचयन बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपचयन। रेडॉक्स को शायद रेडॉक्स ही बोलते हैं। इसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अपचायक कारक और अपचायक कारक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद और हम लोग का लास्टली जो चीज है इसमें आएगी रेंसिडिटी एंड कोरोजन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, इस पूरे टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कंपोजिशन रिएक्शन जो है हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होते हैं जब दो फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे क्या होंगे कि दो सब्सटेंस के थ्रू है ना एक नया सब्सटेंस का निर्माण होता है, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं H2+O2 इसका निर्माण होकर बनाएगा H2O, ये हमारा क्या हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब जहाँ पे दो सब्सटेंसेस के थ्रू एक नया सब्सटेंसेस का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन हम लोग वन बाय वन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग है ना। इसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब इसमें क्या होगा एक सब्सटेंस को ब्रेक करने के बाद एक या एक से नए सब्सटेंस का निर्माण होगा, एक से अधिक नए सब्सटेंस का जो निर्माण होगा वो हमारा क्या कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग का अगर हम यहाँ पे बात करें CaO को अगर हम लोग यहाँ पे हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर CaCO3 को अगर हम लोग हीट कर देंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर हम इस चीज को क्या करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे CaCO3 को जैसा ही हम लोग गर्म कर देते हैं CaCO3 को, तो हमें मिलेगा CaO+CO2 का निर्माण होगा। ध्यान रखिए थोड़ा हम लोग यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देते हैं CO2, ये हमारा लिखने का तरीका गलत है, थोड़ा ध्यान रखिएगा C अलग होना चाहिए और O अलग होना चाहिए, ना कि कैसे राइटिंग के थ्रू हम लोग रेगुलर वे में हमें नहीं लिखना है, थोड़ा सा बीच में गैप होनी चाहिए। केमिस्ट्री हमें ये कहती है सिखाती है कि मतलब कभी भी हम लोग मतलब कि पूरा सही तरीके से आने कैसे राइटिंग में पूरा घिस घिस के लिखना नहीं है, हमें एक अलग अलग फॉर्मेशन के थ्रू लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा जैसे CaCO3 जो चचा है यहाँ पे है ना कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaO और CO2 में यहाँ क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है जब हम इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिकम्पोज हो रहा है ना, वियोजन हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है बट रहा है। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी है हम लोग के सामने यहाँ पे तीन तरीके के है, वो पहला क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब हम लोग जब विद्युत धारा को अगर प्रवाहित कर देंगे, हम लोग वन बाय वन हम लोग डेफिनेशंस के थ्रू करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा एक मेन टॉपिक्स के जरिए हम लोग यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है क्या है कि जब हम एक इसमें बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें क्या होता है कोई हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बेस्ट एग्जांपल आपका स्कूल का होगा, अगर मान लिया जाए आप पहले स्कूल में गए और आप फर्स्ट बेंच पे बैठे पड़े थे और एक आपसे ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस या फिर मजबूत में आया, मतलब जो थोड़ा ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर का है, अब वो आया और आपको लात मार के भागा करके आपको पीछे वाले बेंच पे भेज दिया, इसका मतलब यही क्या हुआ ये कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मतलब एक दूसरे को क्या करेगा डिस्प्लेस करके रख देगा, क्या करके रख देगा डिस्प्लेस करके रख देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इसका Fe+CuSO4 हमारा बनाएगा FeSO4+Cu, ऐसा इसलिए क्योंकि देख सकते हैं कि Fe यहाँ पे क्या था हाई रिएक्टिव मेटल है इन कंपेयर टू Cu का, क्योंकि तांबा और अगर हम लोग लोहा को फ्रीली अगर छोड़ देते हैं अपने इन्वायरमेंट में तो लोहा में पहले जंग लग जाएगा इन कंपेयर टू तांबा में, तांबा में तो जंग लगेगा ही नहीं लगेगा क्योंकि उसमें क्या होगा हरे टाइप का वो हल्का फुल्का वो वहाँ पे उसमें कोरोजन होते हैं, ठीक है। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सेम होते हैं एज ए क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे दो बच्चे हैं, दो बेंच है, ठीक है, दो बेंचेस है और फर्स्ट बेंच पे आप भी बैठे हो और सेकेंड बेंच पे भी यहाँ पे भी कोई लोग बैठा पड़ा है,
तो अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप क्या बोल रहे हैं, इसको डिस्प्लेस करके आप यहाँ से कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो कंपाउंड होगा और दोनों कंपाउंड में एक दूसरे के क्या होंगे कि वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, दो ओगिक में हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका भी अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो AgNO3 प्लस AgCl, AgNO3 प्लस NaCl, तो जनरली यहां पे बनाएंगे NaNO3 प्लस AgCl, ओके। तो हम लोग यहां पे अगले तरफ हम लोग बढ़ेंगे, AgCl प्लस NaNO3 का फॉर्मेशन होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी दो टाइप का रिएक्शन है ना, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे, अगले वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद है एंडोथर्मिक उष्माशोषी, उष्माशोषी का मतलब होता है वैसा रिएक्शन जो कि किसी उष्मा के थ्रू हम लोग करवा सकते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे कैटलिस्ट वगैरह भी पढ़ेंगे, उत्प्रेरक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाँव में देखिएगा या फिर आप अपने पूरे लाइफ में अगर आप देखिएगा छोटा सा लाइफ में, कि मतलब आप जब कभी मतलब किसी से झगड़ा होता है, आपकी इच्छा नहीं है मारने का, किसी को पीटने का, लेकिन फिर भी क्या होता है किसी को उकसा देना है ना, एक्साइटेड कर देना, पीटो पीटो ऐसे करने के वाली बातें हैं, तो होता क्या है उसे हम लोग बोल सकते हैं है ना कि मतलब रिएक्शन करने का मन नहीं है लेकिन किसी के बहकावे में आकर के हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। वही बात यहाँ पे भी एंडोथर्मिक रिएक्शन से, यानी कि उसमें शोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि वो जो है हमारा अगर चीजें यहाँ पे रखा पड़ा है लेकिन वो रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसा ही अगर उसमें हम लोग हीट दे देते हैं लाइट एनर्जी के थ्रू, यानी किसी भी तरीके से अगर हम उसको एनर्जी मिल जाती है तो रिएक्शन कर लेता है, उसे हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हम लोग का है उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, यानी कि वैसा रिएक्शन जो क्या होता है कि रिएक्शन के थ्रू एनर्जी को रिलीज कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब हम लोग क्ले चूना है ना, यानी कि क्ले चूना यानी क्विक लाइम को अगर क्या करते हैं वाटर में डाल देते हैं, तो वहाँ पे CaCOH का होल ट्वाइस यानी स्लैक लाइम बनाएगा और वहाँ पे 15.54 किलो कैलोरी उसमें रिलीज कर देती है, और उस उसमें में हम लोग आसानी से क्या है ना एक को बॉइल कर सकते हैं, अंडे को उबाल सकते हैं। इसके बाद है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हुआ कि वैसा रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में होती है, मतलब रिएक्टेंट से हम लोग प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा सकते हैं। जैसे आपने पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है, तो आने कहने का मतलब ये जो चीजें हैं रिएक्शन से पहले जो हमें पार्टिसिपेट कर रहा है ये वाले चीजें कहलाता है रिएक्टेंट, जो किसी भी है ना रासायनिक अभिक्रिया में जो चीजें भाग ले रही है यानी पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो फाइनली चीजें बना उसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे, ओके। इसके बाद हम लोग क्या है फोटो केमिकल रिएक्शन, ये जो जनरली क्या होते हैं सूर्य के प्रकाश में केमिकल रिएक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एच प्लस आई टू वहां पे होंगे। इसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का जनरली हम लोग के सामने जो डेफिनेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यानी हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो रहा है, तो क्या कहलाएगा हम लोग का ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी उपचयन अभिक्रिया। इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि जिस अभिक्रिया में यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया दैट केमिकल रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हम उसमें कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का वहाँ पे रिमूवल होगा और एडिशन होगा किसका हाइड्रोजन का, तो हम उसको बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। आगे बात करेंगे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी होंगे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें होंगे, इसमें भी हम लोग आगे बात करेंगे। और लेकिन जो चीजें हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो साथ साथ चलने वाली घटनाएं हैं, इसीलिए इसे हम लोग बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों के कॉम्बिनेशन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कॉम्बिनेशन को हम लोग रिडॉक्स बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ से रिडक्शन से यहाँ पे रिड लिया जाता है, ऑक्सीडेशन से यहाँ पे ऑक्स ले लिया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद हम लोग का है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी एजेंट का मतलब बताया थे कारक जो कि किसी भी चीज को क्या करता है उसको करने में मदद करता है, हेल्प कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड है मतलब H2O2 है, इसके बाद हैलोजन फैमिली में भी वाले जो चीजें हैं मतलब जस्ट लाइक Cl है, HCl है, फ्लोरीन वगैरह है, तो ये हमें क्या करेंगे इसको मदद कर देता है करने में। बात यहाँ पे चीज आ रही है कोरोजन एंड एसिडिटी। कोरोजन होता है कि अगर जनरली हम लोग कुछ मेटल को अगर खुले वातावरण में एक्सपोज कर देंगे रख देंगे तो क्या होता है सम टाइम बाद उस पर है ना मतलब जंग वगैरह लगने लग जाते हैं, उसे हम लोग कोरोजन बोलते हैं। रेंसिडिटी जनरली ये होती है कि कितनी गंदिता इसका मतलब होता है, मतलब अगर हम लोग खाने वगैरह को छोड़ देते हैं खुला या फिर लंबा टाइम तक उसमें एक बैड स्मेल आने लग जाती है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं रेंसिडिटी। बाकी आगे है इसका बेस्ट एग्जाम्पल वगैरह डेफिनेशन विथ इसका जो एग्जाम्पल वगैरह होगा हम लोग वन बाय वन करेंगे, एक दिन में हम शायद
आपको चार टॉपिक समझा पा रहे होंगे, यानी चार रिएक्शंस को समझा पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी शायद हम लोग के पास तीन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट के भी हमारे पास दो टाइप्स है, हम वन बाई वन करने की भी कोशिश करेंगे। बात आ रही है यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का, तो हम इसमें भी थोड़ा सा लंबा टाइप करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हम लोग क्लास 9 और 10th के बेसिस पे पढ़ने की इसे हम कोशिश ना करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग के सामने ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।